चोरी की संपत्ति खरीदकर उसे खपाने की योजना बना रहे एक कबाड़ी आरोपी को बलौदा बाजार जिले की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से एक माजदा वाहन सहित लगभग 95,000 रुपए कीमत का कबाड़ सामान बरामद किया गया। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आंवला चक्की पहाड़ी के पास लाखों रुपए का दांव लगाकर जुआ खेल रहे जुआ के अड्डे पर रेड मार्क कर चार जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार जुआरियों से 2,83,000 रुपए व एक कार जब्त की गई है। रायपुर रेलवे पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नशे की तस्करी करते हुए पति पत्नी समेत 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्कर रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से बिहार जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान जीआरपी ने तस्करों के पास से 3.5 लाख कीमत का करीब 65 किलो गांजा जब्त किया है। बिलासपुर के मल्हार चौकी पुलिस पर शराब तस्करों ने तलवार से हमला कर चौकी प्रभारी शंकर गोस्वामी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सब इंस्पेक्टर को बचाने पहुंचे हेड कांस्टेबल पर भी आरोपियों ने हमला कर मौके से फरार हो गए। चौकी प्रभारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रायपुर की एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की टीम ने मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित कालीबाड़ी के पास से ऑटो बिक्री करने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे एक व्यक्ति शमशाद अली को पकड़कर उसके निशानदेही पर 2,90,000 रुपए कीमत की 2 ऑटो जब्त कर ली है। यातायात पुलिस रायपुर के नाम पर ई चलान एवं क्यूआर कोड भेजकर ठगी करने की राज्य में नया तरीके की वारदात से हुई घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए साइबर अपराधियों को पकड़ने के निर्देश दिए थे। पुलिस की टीम ने दिल्ली में कैंप कर तिलक नगर में दबिश देकर फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 2 युवक व 4 युवतियों को पकड़कर उनके पास से 25 कंप्यूटर, 35 मोबाइल फोन, दर्जनों फर्जी सिम, डायलर मशीन, पेन ड्राइव एवं 2 नग लैपटॉप बरामद किया है, जिसमें विभिन्न राज्यों के ई चलान का डाटा बरामद किया गया है। सूरजपुर जिले के हीरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल कामेश्वर प्रसाद कुर्रे पर छात्राओं के परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल कुर्रे स्कूल में उनकी बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करता है। पुलिस ने आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले को रफा दफा करने में लगे स्कूल संचालक की महिलाओं ने चप्पलों से पिटाई कर दी। रायपुर की उरला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राहगीरों से पर्स, एटीएम, रकम इत्यादि सामग्री लूटने वाले गिरोह के एक सदस्य को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पर्स, एटीएम एवं नगद रकम बरामद की गई है। बिलासपुर में ग्रामीण बैंक से लोन लेकर ठगी को अंजाम देने में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में चकरभाटा स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक ने शिकायत की थी। लिखित शिकायत में प्रबंधक ने बताया कि आरोपियों ने गलत पता ठिकाने की जानकारी देकर करीब 89 लाख रुपए से अधिक रुपयों की ठगी की है। रायपुर न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी गार्डन के पास शनिवार की रात गोली जैसी आवाज आने पर आरोपियों द्वारा कार से फरार होने की सूचना पर पुलिस ने कार का पीछा कर उसमें सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम में मोहन यादव नामक व्यक्ति द्वारा अपने पास रखे कट्टा को दिखाते हुए तथा एक वीडियो में मोहन यादव द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर एक अन्य लड़के के साथ मारपीट करते हुए रोहित यादव नाम के इंस्टाग्राम आईडी से वीडियो प्रसारित कर दहशत फैलाने वाले 2 आरोपियों को रायपुर की ASSI की टीम ने गिरफ्तार कर एक कट्टा व चाकू जब्त कर लिया है। बिलासपुर के करगिल रोड रेलवे स्टेशन में रविवार की रात कोयले से भरी मालगाड़ी की बोगी में अचानक आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि यह आग कैसे लगी है इसकी जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।
रायपुर से लेकर धरसीवा इलाके में एक पिता ने अपने दो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार कर खुद भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। वह एक ही परिवार के तीनों लोगों की मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। रायपुर के गोलबाजार थाना पुलिस ने बालाजी लोहा नामक संस्थान से 48,33,300 रुपए का TMT सरिया खरीदकर उसका भुगतान किए बगैर फरार होने वाली मेसर्स रानी सती सेल्स महासमुंद छत्तीसगढ़ प्रोपराइटर हेमा खेतान को 7 साल बाद मुखबिर की सूचना पर पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर में 2 साल पूर्व शहर के ठेकेदार प्रदीप अवस्थी समेत आधा दर्जन लोगों के करीब 13.5 लाख रुपए की ठगी कर फरार दंपत्ति की तलाश में जुटी कोतवाली पुलिस टीम ने अंततः उत्तर प्रदेश के सिकंदरा आगरा में दबिश देकर आरोपी महिला रागिनी गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी के कब्जे से धोखाधड़ी की रकम बरामद नहीं कर सकी। वहीं गिरफ्तार महिला का पति आरोपी प्रतीक गोयल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। तंत्र विद्या के जरिए जमीन में गड़ा बेशकीमती धन निकालने के नाम पर सेंट्रल बैंक सूरजपुर में कार्यरत अभिषेक प्रताप सिंह समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों से करीब 14 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में सूरजपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने कोरबा निवासी 2 आरोपियों को कार के मालिक मनोज कुमार कीवट व अशोक दास को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया है। कोरबा के बालकोनगर थाना क्षेत्र में रविवार को एक वृद्ध का शव झाड़ियों पर पड़ा मिला। वृद्ध के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं, जिसके चलते हत्या की आशंका है। सूचना मिलने पर डायल 112 और बालको की थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। रायगढ़ जिले के लैलुंगा थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक चंदन सिंह नेताम द्वारा मुखबिर की सूचना पर CHC लैलुंगा के पास से चोरी के 2 आरोपियों को धौर भाटा के तमनार में पकड़कर आरोपियों से चोरी की बाइक जब्त कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बेमेतरा जिला पुलिस ने लाठी लगने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से मूलतः गोपालगंज बिहार निवासी व वर्तमान में भोपाल में रहने वाला आकाश उर्फ जय गुप्ता और ओम प्रकाश यादव शामिल है। आरोपियों ने बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गनिया निवासी नीला भाई ध्रुव को फोन कर 25 लाख रुपए की लाठी लगने का झांसा देकर ठगी की थी। महाराष्ट्र के पखांजूर की ओर से जा रही बोलेरो वाहन का चालक तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए विपरीत दिशा से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार विजय मंडल की मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद बोलेरो भी झाड़ियों में जा घुसी। रायगढ़ जिले की कोसी थाना पुलिस ने हत्या व हत्या के प्रयास के फरार 2 आरोपियों को फरार होने में सहयोग करने वाले आरोपी के रिश्तेदार निरंजन मंजारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर के सिलतरा स्थित देवी स्पंज फैक्ट्री में सुरक्षा में लापरवाही के चलते करंट लगने से श्रमिक की मौत हो गई। रविशंकर कुर्रे फैक्ट्री में काम कर रहा था, तभी मोटरसाइकिल का वायर कटा होने से पानी में करंट फैलने से उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मजदूर और मृतक के परिजन फैक्ट्री पहुंचे, जहां प्रबंधन की लापरवाही के कारण रोष जताया